तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पालमपुर से, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल आपको बताने जा रहे हैं। तो हिमाचल में वायरल ऑडियो का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बीते दिनों भी एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा था, ऐसे में पूर्व सीएम शांता कुमार को भी धमकी मिली है कि 15 अगस्त को तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा। कांगड़ा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर पालमपुर से सामने आ रही। हिमाचल में दरअसल वायरल ऑडियो का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में पूर्व सीएम शांता कुमार को भी धमकी अब मिल चुकी है। अनूप धीमान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए। अनूप, पहले शिमला के पत्रकारों और अधिकारियों को, अब ऐसे में कांगड़ा में भी ये वायरल ऑडियो का मामला सामने आया। बिल्कुल, क्योंकि ये मुख्यमंत्री को पहले इस तरह की धमकी वाला ये वॉइस मैसेज आया था। अभी क्योंकि खुद शांता कुमार जी को ये वॉइस मैसेज जो है वो एक कॉल आती है, इंटरनेशनल कॉल आती है, उसमें सिर्फ ये वॉइस मैसेज होता है जिसमें कि साफ उनको धमकी भरे लहजे में ये कहा गया है कि आप एक सीनियर बीजेपी लीडर हैं और आपसे आपको बिल्कुल हम बताना चाहेंगे कि आप हिमाचल सिक्योरिटी के अंडर अगर आप कोशिश करेंगे, हिमाचल पुलिस के सिक्योरिटी के अंडर आप कोशिश करेंगे तिरंगा फहराने की, तो ऐसी कोई कोशिश आप ना करें। उनका बिल्कुल, क्योंकि उनको भी इसी तरह की धमकी दी गई है, क्योंकि जो इसको पंजाब के किसानों से जोड़ रहे हैं, जब भी इस तरह की धमकी के मैसेज आ रहे हैं तो पंजाब के किसानों से जोड़ रहे हैं कि उनके इस हालात के लिए जो है वो बीजेपी जिम्मेवार है और बीजेपी के आप सीनियर लीडर हैं, इसलिए आपको ये कहा जाता है कि आप तिरंगा न फहराएं। तो ये मैसेज जो है वो इस तरह से जो है वो एक फोन करके दिया जा रहा है। दूसरी तरफ महिमा, आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी जिला स्तर के जो जिला हेडक्वार्टर्स में जितने भी पत्रकार हैं जो एक्रेडिटेड हैं, खासकर उनके लिए लगातार कनाडा और यूके के नंबर से फोन आता है, इसी तरह का वॉइस मैसेज जो है वो आता है। इंग्लैंड और अमेरिका के नंबरों से कॉल आ रही, फिलहाल एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और ऐसे में अब कार्रवाई भी पुलिस विभाग की तरफ से शुरू की जा चुकी है। अनूप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।